तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग हुई शुरू। तो इजराइल के 2000 सैनिकों ने छोड़ दी सेना की नौकरी, हमास के सामने डाल दिया हथियार। इजराइल की सरकार को लगा बड़ा झटका, हमास के सामने मैदान छोड़कर भाग रहे हैं इजराइल के सैनिक। गाजा पट्टी में जंग शुरू होते ही अमेरिका के सैन्य अड्डों से हमास के लड़ाकों ने चोरी कर लिया हथियार। अमेरिका के एक ड्रोन को भी उड़ा ले गए हमास के लड़ाके। अब इन्हीं हथियारों से इजराइल की सेना पर बरसा रहे हैं कहर। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में रहने वाली 30 ईसाई महिलाओं ने कबूल किया इस्लाम धर्म। इजराइल को दिया है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा से बन रही है सरकार। तेलंगाना में दूसरे नंबर पर रह रही है कांग्रेस पार्टी। पांचों राज्य के आ गए एग्जिट पोल। सीज फायर के बाद भी इजरायली सेना के मर रहे हैं लोग। इजरायली सेना के हर घंटे एक सैनिक का हो रहा है अंतिम संस्कार। अब तक की जंग में इजरायल के 720 सैनिक हुए शहीद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजरायल हमास में जंग शुरू होते ही इजरायल के 2000 सैनिकों ने छोड़ी नौकरी, हमास के सामने डाल दिए हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल और हमास में 6 दिनों के युद्ध विराम खत्म होने के बाद फिर से जंग शुरू हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जंग दोबारा से शुरू होने के बाद 2000 इजराइल के सैनिकों ने इजराइल की सेना से नौकरी छोड़ दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सैनिकों ने दोबारा से जंग शुरू होने के बाद हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने से साफ इनकार कर दिया और अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जब 7 अक्टूबर से जंग तो हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में इतना पीटा कि अब हमास के डर के कारण इजराइल के सैनिक दोबारा से जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और हमास की बड़ी जीत मानी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग में अमरीका के सैन्य अड्डों से हथियारों की हुई चोरी, अमरीका के ड्रोन उड़ा ले गए हमास के लड़ाके। अब अमरीका के हथियारों से ही इजराइल पर बरसा रहे हैं कहर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 6 दिनों का युद्ध विराम हुआ था, इसी युद्ध विराम के दौरान अमेरिका के सैन्य अड्डों से अमेरिकी सेना के हथियार चोरी हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस चोरी में अमेरिका के ड्रोनों को भी चोर उड़ा ले गए हैं। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ये हथियार कोई और नहीं बल्कि हमास के लड़ाकों पर पकड़े गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका जिन हथियारों के बल पर पूरी दुनिया को धमकाता है, उन्हीं हथियारों को चोरी करके हमास के लड़ाके अब इजराइल और अमेरिका दोनों को धमका रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाके अमेरिकी हथियारों को चुराकर इन्हीं हथियारों से इजराइल की सेना पर कहर बरसा रहे हैं और इजराइल की सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिकी हथियारों को हमास के लड़ाकों ने चुरा लिया है और इन्हीं हथियारों से अब गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से वो जंग लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के हथियारों से ही इजराइल को हमास के लड़ाके पीट रहे हैं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास की दरिया दिली देखकर ऑस्ट्रेलिया की 30 ईसाई महिलाओं ने कबूल किया इस्लाम धर्म। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब ऑस्ट्रेलिया की 30 ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के नागरिकों के साथ अच्छा सलूक करने के बाद ये लोग हमास से प्रभावित हुए और इन 30 ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि ये 300 महिलाएं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की रहने वाली हैं। इन्होंने घोषणा की है कि गाजा के मुसलमानों के जज्बे, हौसले और हमास मुजाहिदीनों द्वारा दुश्मन नागरिक इजराइल के साथ अच्छा व्यवहार करने के मामले से प्रभावित होकर उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, जो इजराइल और यहूदियत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में इजराइल के 720 सैनिकों की हुई मौत, हमास के लड़ाकों ने जारी किए आंकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग में 30 दिनों की जंग में इजराइल के 720 सैनिक मारे गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हर घंटे एक इजराइल के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा है और इजराइल की सरकार मात्र 400 इजराइली सैनिकों की मौत होने का दावा कर रही है। वहीं हमास के लड़ाकों ने बताया है कि
की 30 दिनों तक चली जंग में इजराइल के 720 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 100 सैनिक हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मार गिराए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीज फायर के बाद भी इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से हमास के लड़ाके लगातार हिजबुल्लाह के रूप में इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं, जो इजरायली सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी का हो रहा है सूपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ तेलंगाना और राजस्थान में बन रही कांग्रेस सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही पांचों राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिसंबर को पांचों राज्य में मतगणना होगी, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पांचों राज्य में इस बार भाजपा का खाता भी नहीं खुला है और कांग्रेस पार्टी पांचों राज्य में चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने फुल जोर लगाया था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सफल होती हुई नहीं दिख रही है। राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और यहां पर सरकार कांग्रेस की बन रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सत्ता बचा में सफल दिख रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बना रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो दोस्तों तेलंगाना में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन यहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने में विफल दिख रही है। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी जरूर तेलंगाना में सरकार बना लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सभी राज्यों में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव इस बार हार रही है। की ओर तो हमास की दरिया दिली देखकर ऑस्ट्रेलिया की 30 ईसाई महिलाओं ने कबूल किया इस्लाम धर्म। जदोस आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब ऑस्ट्रेलिया की 30 ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के नागरिकों के साथ अच्छा सलूक करने के बाद ये लोग हमास से प्रभावित हुए और इन 30 ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि ये 300 महिलाएं ऑस्ट्रेलिया के मेल बर्न की रहने वाली हैं। इन्होंने घोषणा की है कि गाजा के मुसलमानों के जज्बे हौसले और हमास मुजाहिदीनों द्वारा दुश्मन नागरिक इजराइल के साथ अच्छा व्यवहार करने के मामले से प्रभावित होकर उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, जो इजराइल और यहूदियत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में इजराइल के 720 सैनिकों की हुई मौत, हमास के लड़ाकों ने जारी किए आंकड़े। जदोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग में 30 दिनों की जंग में इजराइल के 720 सैनिक मारे गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हर घंटे एक इजराइल के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा है और इजराइल की सरकार मात्र 400 इजराइली सैनिकों की मौत होने का दावा कर रही है। वहीं हमास के लड़ाकों ने बताया है कि 30 दिनों तक चली जंग में इजराइल के 720 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 100 सैनिक हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मार गिराए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीज फायर के बाद भी इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से हमास के लड़ाके लगातार हिजबुल्लाह के रूप में इजराइली सेना पर हमले कर रहे हैं, जो इजराइली सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी का हो रहा है सूपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ तेलंगाना और राजस्थान में बन रही कांग्रेस सरकार। जदोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही पांचों राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिसंबर को पांचों राज्य में मतगणना होगी, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पांचों राज्य में इस बार भाजपा का खाता भी नहीं खुला है और कांग्रेस पार्टी पांचों राज्य में चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने फुल जोर लगाया था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सफल होती हुई नहीं दिख रही है। राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और यहां पर सरकार कांग्रेस की बन रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सत्ता बचाने
में सफल दिख रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बना रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो दोस्तों तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने में विफल दिख रही है। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी जरूर तेलंगाना में सरकार बना लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सभी राज्यों में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव इस बार हार रही है।